गाइस वो लड़की इसको चाय कॉफी देती बोलता उसको वहीं रख दे मैं ले लूंगा। क्या बात क्या नहीं होती है, बहुत अच्छे से पी रहा है अब तो, स्वाद आ रहा है इसको आराम से देखो। और अभी ऐसा है कि कुछ दिनों से ना मैं जेल मतलब पुलिस स्टेशन के राउंड निकाल रही हूँ, कभी किसका मैटर कभी किसका मैटर, कभी कहाँ जाना पड़ रहा है कभी कहाँ जाना पड़ रहा है। वीर सम्राट ने तो हाथ जोड़ रखे हैं कि भाई मैं तो दूर ही रहूंगा इन चीजों से, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी भी फैमिली मैटर है। तेरी इच्छा से तू जैसे रेडी वैसे रहे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके दूसरे दिन है ना मेरे को धमकी मिलती है कि मैं 3 दिन में इस लड़की को खत्म कर सकता हूँ। अच्छा देखा आपने, नहीं देखा ना, इतना बड़ा बच्चा पहली बार देखने को मिल रहा है, देख लो इसको जी भर के देख लो, ये बच्चा नहीं है गाइस, गाइस देख ले, ले पकड़ी हेलमेट है। हे गाइस कैसे हो आप लोग, अभी का इंट्रो में दे रही हूँ एक जेल के अंदर, मतलब जेल का जो एरिया है वहाँ पे खड़ी होके। एंड ऐसा है कि मैं वीर सम्राट के साथ में यहाँ पे आई हुई हूँ किसी से मिलने के लिए। अभी ऐसा है कि मतलब वो गया हुआ है बाहर कुछ सामान लेने के लिए, बल्कि अपना बैग नहीं ले जा सकते इसलिए, और वहाँ पे एक दो दिन नहीं अलाव है, तो मैं और भी लोग हैं वहाँ पे आए हुए तो मैं नहीं जा सकती उनसे मिलने के लिए। अभी वीर सम्राट बाहर गया हुआ है, वो आ जाए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। और अभी उसकी मम्मी खड़ी है मेरे पीछे पीले कलर की ड्रेस पहन के, और उसकी मम्मी सामने आ गई है। मैं ये सोच रही कि उसकी मम्मी मेरी तरफ नहीं आ जाए, बल्कि अगर उसकी मम्मी मेरी साइड आ गई ना तो पूछेगी जरूर। ये आ रहा वीर सम्राट। और गाइस ऐसा है कि मैंने ना पहली बार जेल देखी है, और अभी ऐसा है कि कुछ दिनों से ना मैं जेल मतलब पुलिस स्टेशन के राउंड निकाल रही हूँ, कभी किसका मैटर कभी किसका मैटर, कभी कहाँ जाना पड़ रहा है कभी कहाँ जाना पड़ रहा है। वीर सम्राट ने तो हाथ जोड़ रखे हैं कि भाई मैं तो दूर ही रहूँगा इन चीज़ों से, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी भी फैमिली मैटर है तो जाना पड़ता है मेरे को भी। बट अभी ऐसा है कि मैंने ये जो अजमेर के अंदर जो जेल है मैंने पहली बार देखी है, जैसे अपने हीरो निकल के नहीं आता है कि उसको बेल मिलती है तो जेल से निकल के आता है, सेम ऐसी जेल है मेरे पीछे। मैं आगे नहीं गई, बल्कि आगे कुछ जानने वाले खड़े हैं उसके परिवार वाले, तो मैं आगे नहीं गई, मैं यहीं खड़ी हूँ। अच्छा हुआ नहीं गई मैं आगे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, इतनी भयंकर उमस हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले तो बारिश आ रही थी, बट अब तो वो भी नहीं आ रही, वो भी नसीब नहीं है, भगवान बारिश कर दो इतनी ज़ोर सी। खैर कोई ना, अभी वेट करते हैं उसके आने का, बल्कि यहाँ पे बहुत बहुत मतलब 1.5 घंटा तो मान के चलो 1.5 घंटा लगेगा उसको यहाँ पे आने में। और यहाँ पे भी मैं 2 चोटी करके आई हूँ, मेरी चोटी खुल गई, मैं चोटी सही कर लेती हूँ मेरी यहाँ पे जब तक। तो ये आ गया गाइस, अब जाएगा वापस अंदर, कुछ बोलेगा नहीं, जेल देखी अभी गाइस। ये ना कैदी था, ये निकल के आया, इसको बेल मिली है। और मैं बताती हूँ इसको बेल क्यों मिली, रात को 11 बजे घर पे आया था तो ये इसको जेल हो गई थी, इसलिए अभी इसको बेल मिली है वापस, जमानत मिली है इसको, मैं लेने आई हूँ इसको। देखो इसने पाद दिया यहाँ पे आके भी नहीं इसको। और बताओ इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर क्या जुर्म लगा था, ये रात भर फू फू करता रहता है, पादता रहता है, कोई नहीं देख रहा रे, मैं तो बहुत देर से बना रही थी। गाइस अभी आ चुकी है बारिश और मैं खड़ी हूँ अभी अकेली, वीर सम्राट का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए फिर यहाँ से जाएंगे हम लोग, ठीक है। देखती हूँ, बट बारिश में गीला नहीं कर सकती उसको, बल्कि उसके हेयर में सिर में प्रॉब्लम है, बारिश का पानी जाएगा तो उसकी दिक्कत बढ़ जाती है, सिर के अंदर जो हो रहा फंगल इन्फेक्शन, तो मैंने इसको कहा तो रुका रहे बारिश रुकती है उसके बाद चलेंगे, ठीक है। तो अभी देखते बारिश कब रुकती है फिर कब हम यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। बल्कि यहाँ पर ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सकते, बल्कि जेल है इसलिए। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, वहाँ से हम लोग फ्री हो गए थे तो अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं वापस पुष्कर रिटर्न, बीच में देखते हैं कहाँ रुकेंगे कहाँ नहीं रुकेंगे। और अभी बारिश भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, लेकिन व्यू बहुत प्यारे आ रहे हैं चौपाटी के, तो शायद चौपाटी पर रुकेगा ना, चौपाटी रुकेगा, चौपाटी पर रुकते हुए चलेंगे। मौसम इतना शानदार हो रहा है, मैं इसको कह रही थी मुझे ना वो खाने मक्की खानी, मक्की तो देखती हूँ घाटी पे पुष्कर चलेगी, जब बीच में आएगा तो देखते हैं वहाँ रुकेगा नहीं रुकेगा लेने के लिए, बल्कि मेरा तो बहुत मन कर रहा है। हाँ कैसी है, स्वाद और अच्छा आया होगा, मीटर की छोड़ और मीठी हो गई चाय, मैं नहीं पी रही अब, तू ही पी, मैं नहीं पी रही अब। गाइस वो लड़की इसको चाय कॉफी देती बोलता उसको वहीं रख दे मैं ले लूंगा, क्या बात क्या नहीं होती है, बहुत अच्छे से पी रहा है अब तो, स्वाद आ रहा है इसको आराम से देखो। मेरे को ये भी नहीं बोला कि नहीं उस लड़की ने दिए तू पहले पिएगी, ये भी इसने ये पहले
और छोड़ नहीं रहा, पिए जा रहा है। तो अब तू ही पिएगा, मैं नहीं पी रही। अब कहाँ चलना है, उधर क्या करने? तो फिलहाल अभी हम लोग ना पानी पूरी खाने के लिए रुक गए हैं, और इसको ये वाटरप्रूफ कवर पसंद आया, बोला मेरी गाड़ी के लिए भी यही लेके आऊंगा, अब इसी के साथ चलेगा। ये बच्चा देखा आपने? नहीं देखा ना, इतना बड़ा बच्चा पहली बार देखने को मिल रहा है आप लोगों को। देख लो इसको, जी भर के देख लो, ये बच्चा नहीं है गाइस। गाइस देख ले, ले पकड़ी हेलमेट है यार। क्या पकड़ यार, हेलमेट पकड़ पकड़ के परेशान हो गई मैं। हां ट्राई बोट ने टक दे वाली, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पकड़ लो, मुट्ठी खाए हल्ले भी कर बाप की। क्या तेरी क्यों करूं मैं इसको भी करता तो कर रहे सामान निकाल ही सकता हूं। हाँ? लेना बेकार, ठीक है ना, चले चलना। मैंने कर दिया इतना, मैं नहीं कर रही, अब तेरी साफ नहीं करूंगी सीट। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं पानी पूरी खा के, और अब देखते कहाँ जाना है हम लोगों को। कहाँ जा रहे, पुष्कर जा रहे वापिस? मतलब घुमा तो लिया कर यार मेरे को सही से, कितने दिन बाद अजमेर लेके आया है। अभी दिखाता मारो सर इस जगह पर। गाइस हम लोग भुट्टा खा के निकल चुके हैं, हरियाली देखो गाइस, पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं यार, इतना मस्त लग रहा है। और अभी मेला भी आने वाला है, बल्कि पिछली बार डाला था क्या बनने? पिछली बार नहीं डाला था हमारे पास, उस टाइम को फोन नहीं था। नहीं, तो कहाँ डाला था? नहीं नहीं था। अरे नींद, अरे वन प्लस से बनाई वीडियो। हाँ शायद, तो इस बार तो मतलब भरेगा, पर अभी तो पहाड़ पे मिलोगे, देखो कितनी ऊंची पे बैठे हैं यार वो, बैठे बिल्कुल किनोर पे। फिर कोई ना, अभी हम लोगों ने भुट्टे खाए, इसको काला भुट्टा दिया जलेवा, कपड़े देख के, बल्कि इसने काले कपड़े बैठ गए इसलिए इसको काला ही दिया। फिर कोई ना, मन तो बस इतना कर रहा है कि चाय पी लूं गरम गरम जाके। गाइस ऐसा क्यों होता है, मतलब लोग अपने आप को, मतलब इतने वो फोर व्हीलर वाले अपने आप को ना मतलब पुलिस वाले समझते, पता क्या करते हैं पुलिस वालों का ना, हॉर्न मतलब पुलिस वालों का वो हॉर्न लगा लेते हैं, और पब्लिक की मतलब ऐसे ट्रैफिक में रहती तो उनको ना जगह दे देती है। लोग देख तो रही हूँ मैं, बता तो रही हूँ, दिख नहीं रहे होंगे इतने दूर से मेरे फोन में। खैर कोई ना, और बहुत सी बातें गाइस मुझे आप लोगों को लेके करनी है, मतलब मेरी फैमिली को लेके, तो अभी थोड़ा रुकेंगे कहीं फिर बात करेंगे। मैं तो खाऊंगी, तो गाइस अभी हम लोग दलिया खा रहे हैं दोनों। मैंने इतना सारा लिया तो मुझे कह रहा है तू मोटी हो जाएगी, रात की सब्जी है, इसको घी वगैरह डाल के दिया है और खा रहा है मोटा। क्या बनाएगा, टाइम पे तो उठा नहीं जाता। हाँ बेवकूफ बनाना आता है मुझे तो तुम्हें, और क्या कम बोलो, चुपचाप खाओ। क्या बोल रही थी तू? ये कह रहा है कि ना 15 ले ले मेरे से, और नहीं मेरे को 15 दे दे और तू मेरा 14 ले ले। मैं उसको कह रही हूँ ज्यादा माथे मत चढ़। अच्छा, तूने खुद ने बोला है कि मेरे को तेरा फोन चाहिए नहीं। मैंने इसको कहा था जब भी मुझे दे रहा था कि ये नहीं हो कि कल को तू मुझसे फोन मांग ले, तो बंदा अब मुझे कह रहा है कि मेरे को तेरा फोन दे दे। उस टाइम तो मुझे कह रहा है मैं छूंगा तक नहीं, ये नहीं बोलूंगा, ला एक दिन के लिए दे दे, और अब मुझे कह रहा है कि तेरा फोन मुझे दे दे, ऐसा क्यों? ठीक है फिर जा रहा हूँ मैं, बाय बाय। मेरा फोन दे ना। गरीब आजकल है ना, गरीब लोग बहुत पीछा करते हैं मेरे। ये देखो ये आ रही है पीछा करती करती। मैंने इसको बोला भाई आगे चलो, वहाँ पे रील वगैरह शूट करेंगे, क्योंकि ना आगे चारों तरफ मतलब दोनों तरफ डेजर्ट है और बीच में रोड है, तो हवा बिल्कुल नहीं आएगी। सुने भगा जी तेज खेच कांडो। ये लड़की पहले गिर में देखो गाड़ी को इतनी तेज भगा रही है, चलाना बिल्कुल नहीं आती 1%। और मेरे को पता है मेरे व्लॉग के अब डेली वो वेट करते हो, बट क्या करें टाइम ही नहीं मिलता अभी थोड़ा डालने का। तो वैसे भी थोड़ा टाइम मैं व्लॉग ही डालूंगा कंटिन्यू, मैं प्रैंक बिल्कुल बंद कर दूंगा, मन नहीं करता आजकल, लड़ाई होता लड़ाई हो जाती है।
आप लोगों के लिए तो हम प्रैंक करते हैं, बट हमारे बीच में बहुत भयंकर वाली लड़ाई होती है, फिर बाद में ये रियल मान लेती है सब चीजें, इसलिए पाची आगे तक भापड़ी आगे जा रही घूमर कहे हो ऐसा कैसे कर दिया। हाँ सोनी, मैं ऐसा बोल रहा था भैया ना, आने वाले टाइम में गाड़ी बंद कर पाने, मैं ऐसा बोल रहा था जैसे ऑडियंस को कि आने वाले टाइम में प्रैंक बंद कर दूंगा। क्यों करूंगा, मैं इसलिए बोला कि ऑडियंस को हमारे बीच में लड़ाई हो जाती है, आप लोगों के लिए तो फनी वीडियो डाल देते हैं, बट हमारे बीच में जो लड़ाई होती है ना, उसके बाद क्या पता उसका पता नहीं कि सुलझा रहा होता है, गुस्ता पचाता चले, गुस्से पचाते की बात नहीं गाइस। देखो ऐसा सीन है, जब हमारा न्यू रिलेशन था ना, तब बहुत से लोगों को ये चीज लगती है कि ना देखो क्या बोल रहे, कितनी सारी रील्स बनाई इसने, बनाई एक दो रील्स और मैंने बनाई है। चलो ना चलते, कहाँ चले बोलना, कुछ खाने, कहाँ खाने, तेरे बाप ने पैसे दिए क्या, मतलब मेरे सुसु ना आज तक कभी नारियल के पैसे नहीं दिए घर पे गया इतनी बार, वो तुझे मानते नहीं, तेरी मम्मी ने दिए कभी आज तक, तू गई क्या मेरे घर पे, तू लेके गया क्या, तेरे अंदर, तेरे अंदर चलने का जिगर है क्या, तेरे अंदर ले जाने का जिगरा है क्या, तेरी बुआ वही रोक लेगी रास्ते में, बुआ के दो रेपड़ में मुता दूं उसको मैं रोक लेगी मेरे को, वैसे ही वो बदनाम कर रही है पूरे नाले में। गाइस ना मतलब ऐसा सीन है अभी मेरे साथ में कि ना मेरे परिवार वाले बहुत परेशान कर रहे हैं अभी, मुझे धमकियां दे रहे मुझे मारने की कि ना हम तेरे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मैं अभी आप लोगों को एक चीज बता दूं, कल को मुझे कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम मुझ पे आए ना, तो उसकी जिम्मेदार मेरी बुआ रहेगी, मैं अभी बता देती हूँ। तेरी बुआ वही रोक लेगी रास्ते में, बुआ के दो रेपड़ में मुता दूं उसको मैं रोक लेगी मेरे को, वैसे ही वो बदनाम कर रही है पूरे नाले में। गाइस ना मतलब ऐसा सीन है अभी मेरे साथ में कि ना मेरे परिवार वाले बहुत परेशान कर रहे अभी, मुझे धमकियां दे रहे मुझे मारने की कि ना हम तेरे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मैं अभी आप लोगों को एक चीज बता दूं, कल को मुझे कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम मुझ पे आए ना, तो उसकी जिम्मेदार मेरी बुआ रहेगी, मैं अभी बता देती हूँ। बल्कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि ना मेरे पे प्रॉब्लम वीर लेके आता है, मेरे माँ बाप लाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझ पे प्रॉब्लम वो लोग ही लेके आते हैं, बल्कि वो लोग बहुत परेशान करते हैं इसकी फैमिली को और मुझको, मुझे जीने नहीं दे रहे हैं वो लोग, चैन से नहीं जीने दे रहे हैं, सच्ची में मैं बहुत परेशान हूँ। मैं किसी दिन चलना, ये फालतू एड़े आदमी की वो लोग बेवड़े हैं, घर में सब पीते हैं गू खाते हैं, ऐसे लोग हैं वो लोग, ऐसे हैं कि उनके घर का गू खा के आ जाएंगे तो बोल देंगे हमने नहीं खाया, ऐसे लोग हैं। मुझे कहते हैं हमने कहा तुझे बदनाम किया है, तेरी इच्छा से तू जैसे रेडी वैसे रहे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके दूसरे दिन है ना मेरे को धमकी मिलती है कि मैं 3 दिन में इस लड़की को खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो क्या चुप। तेरे पापा को कौन उकसाता रहे, यही तेरी मम्मी पापा, यही मेरी बुआ, उसके बेटे, नहीं हां सही है, मां की कसम मेरे को कुछ भी सुना तो मैंने भी है, दार वो ही होंगे, सुना तो मैंने भी है कि भाई मेरे को ऐसा किसी ने, मतलब सुना ही दिया है, किसी ने ऐसा बोला कि भाई अगर ये मतलब क्या पता नहीं क्या बोला, मेरे दोस्त का भाई नहीं होता, हाँ डेढ़ पसली ने ऐसा बोला मेरे लिए कि भाई अगर ये उसका नहीं होता ना तो मैं कपड़े 3 दिन में निपटा देता, मैं उस क्या पता वो लोग देखता है ऐसे ऐसे वो लोग देखता होगा, तो मैं उसको ऐसे ही बोलूँ अभी आ जाता तो निपटा नहीं क्या, पेशाब करा दूंगा एक रिपट में सारा दारू निकाल दूंगा, गलत फेमे में जी रहे बहुत ज्यादा यार, क्या करें। मैं गाइस चुप हूँ इस वजह से कि मैं नहीं चाहती किसी की मतलब रेपुटेशन खराब हो या कोई बदनाम हो, लेकिन अब ये लोग क्या मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं भी लोगों के बारे में, सुन तो सही वो एक डायलॉग फेंके ना कौन सा कि मेरे दोस्त का भाई इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तू मेरे मतलब मेरे भाई का दोस्त है इसलिए मैं तेरे को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वरना वो तन कद कर रोड में भगा भगा मारता हो गाई कुत्ता की तरह गाई, और तू तेरी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता कि हमारे साथ का हो गाई, इतना बुरा मारता तन रोड है नहीं पर दौड़ा दौड़ा आगे केटीएम का आगे भागता हूँ नागो नागो मार साथ, जब जन्म कुत्ते होने वो दिखा रही हो या इंटरनेट कुत्ता बना भगाता हूँ रोड पे सीधा है ना सोनिया। बहुत बहुत कंजर लोग देखे हैं आप लोगों ने, नहीं देखा ना तो मेरे खानदान में देख लेना, कंजर ही कंजर है। और मैं सच बोल रही हूँ, अगर मेरा दिमाग घूम गया ना गाइस, मैं बकायदा इन लोगों के नाम आप लोगों को बताऊंगी, इनका एड्रेस दूंगी, इनकी फोटो वगैरह सब बताऊंगी कि ये मेरी बुआ है, ये इनके लड़के हैं, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। और अगर बहुत से लोग चाहे मेरे माँ बाप भी अब कोई बीच में क्यों ना आए, मैं अब किसी की नहीं सुनने वाली, बल्कि मुझे मेरी लाइफ जीनी, मुझे बहुत परेशान कर दिया इन लोगों ने। वाटर पीस जोश में जाओ बाप रो, हाँ दो रुपए का वो पी के ऐसे आ जाते जैसे हाँ यही है, बल्कि नशे में इंसान क्या कदम उठाता उनको पता नहीं चलता है, सीरियसली मैं तो एक चीज कह रही हूँ, इसलिए मैं तुझे भी कहती हूँ नशेड़ों के दूर आकर और रात को कम घुमा कर। ओहो, सही है। बल्कि चोर देखे गाइस, वो चोरी है, चोरी। हाँ एक दिन है ना पी के किसी लड़की के साथ अफेयर चलाया था और हमारे को कॉल करा था कि ये आपका ही लड़का है ना, यहाँ पे एक लड़की लेके घूम रहा है, किसी खेत में था वो। अच्छा वो पकड़े हुए, वो ही तो पकड़ा गया था, उस टाइम को ट्रैक्टर चलाता था पानी का। नहीं यार, किसी ने फोन करके बोला था कि भाई तुम्हारा ये मतलब तेरी तुम्हारी बहन का लड़का है ये, और ऐसे ऐसे चक्कर है इसके, किसी लड़की के साथ में पकड़ा गया था ये खेत के अंदर करते हुए। नहीं यार, चला चलो।
लोगों को पता है पुष्कर में ना बिल्कुल बारिश नहीं आ रही है, इसलिए कि क्या पापी पापा पापी ज्यादा पैदा हो गए हैं आराम से, बहुत ज्यादा है गाइस। अभी भी देखो बारिश का मौसम है, लेकिन बारिश के छांटे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, बहुत भयंकर वाली हालत खराब हो रही है पुष्कर में। तो भगवान से ही दुआ करूंगा, भगवान जल्दी बरसों, इंद्र देवता कोई गलती हो गई तो माफ कर देना सबको अपना बच्चा समझ के, लेकिन बरसों जरूर यहाँ पे, इतना बरसों के सारे पापी लोग बह जाए। सच्ची में मैं तो यही कह रही हूँ, इतने जोर जोर से बरसना भगवान, इतना जोर से इतने जोर से बरसाना, इसका देखो ये अभी बरस रहा है। क्या दिखा रहा था मुझे थी? दिखा तो अभी हमने बनाई है मैगी इतनी सारी, मौसम हो रहा है शानदार बाहर, और ये खा रहा है मैगी मेरे साथ बैठ के। अगर तुम्हें मैं सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर रखता हूँ ना। चल गाइस, ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्यार से कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।